ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है ही नहीं। We have to get this stop. इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। करेगा कौन? टाइगर। भरोसा भी, हिम्मत भी और ताकत। वेल दोस्तों, ऐसी कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी जहां हिंदुस्तान की जाबाज पाकिस्तान जाकर पाकिस्तानियों के खिलाफ ही ऑपरेशंस करते हैं या उनके एक्शंस पर नजर रखते हैं। पर हिंदुस्तान के कुछ ऐसे जाबाज भी हैं जिन्होंने भारत में रहकर ही पाकिस्तानियों के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत इकट्ठे किए जिससे पाकिस्तान को हार माननी ही पड़ी। हम बात कर रहे हैं 1999 की, जब मई के महीने में शुरुआत हुई बड़े कारगिल युद्ध की, जो 3 महीनों तक चला और पाकिस्तान का कहना था कि उनका इस कारगिल युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। अब ये साबित करने के लिए कि कारगिल में उनका हाथ है या नहीं, पाकिस्तान जाना तो बड़ी बेवकूफी थी। ऐसे में कर्नल सूद ने अपना दिमाग चलाया और अकेले पाकिस्तान को गलत साबित किया। आइए जानते हैं कैसे। कर्नल सूद यूं तो एक मिलिट्री ऑफिसर थे, लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच तनाव की परिस्थितियां बढ़ी तब उन्हें लगा कि उन्हें रॉ ज्वाइन कर लेना चाहिए जिससे वो देश की और भी मदद कर सके। कर्नल सूद अपने उसूलों के एकदम पक्के थे और उन्हें किसी का भी डर नहीं था। वो बहुत शातिर और इंटेलिजेंट थे। उनका मानना था कि दुश्मन को पहले दिमाग से हराना चाहिए ताकि वो फिजिकली लड़ने के काबिल ही ना रहे, और उन्होंने कारगिल युद्ध में भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान में बैठे भारतीय एजेंट से पता लगवाया कि पाकिस्तान की आर्मी का हेड कौन है। उन्हें लगा कि कारगिल युद्ध में सभी आर्मी टैंक्स का इस्तेमाल हो रहा है, और इसीलिए अगर उन्हें ये पता लग गया कि आर्मी को इस समय कौन हेड करता है तो इस युद्ध के पीछे का असली नाम सामने आ ही जाएगा। भारतीयों ने पता लगाया कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ उस समय पाकिस्तान की आर्मी का पूरी तरह से संचालन कर रहा था, और उसने भारतीय एजेंट से किसी तरह उसका टेलीफोन नंबर भी अरेंज करवाने को कहा। भारतीय ऐसा करने में सक्षम हुए। सूद ने अपनी इंटेलिजेंस से केवल उसके टेलीफोन नंबर से ही ऐसी वायरिंग की कि अब वो जिसे भी फोन करेगा उस कॉल में कर्नल सूद भी होंगे, और साथ ही अपने टेलीफोन में रिकॉर्डर्स भी लगाए। और उसके 2 दिन बाद ही परवेज मुशर्रफ ने अपने पाकिस्तान आर्मी स्टाफ को एक कॉल लगाई जहां वो उन्हें बता रहा था कि कारगिल के युद्ध में कब क्या करना है और कैसे भारतीयों को सबसे ज्यादा नुकसान हो। सूद ने बड़ी ही चालाकी से ये कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर ली और पाकिस्तानियों को भेजी, जिससे उन्हें भी ये मानना पड़ा कि वो कारगिल का एक बड़ा हिस्सा थे। तो दोस्तों, इस तरह एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रूफ इकट्ठा किया और उन्हें गलत साबित कर दिया। और इस बात की बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इस बार मूवी में कर्नल सूद की ये कारगिल युद्ध की कहानी दिखाई जाए। अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये ऑडियंस और मेकर्स दोनों के लिए ही काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कारगिल युद्ध के बारे में एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस क्रिएट करना काफ़ी हिस्टोरिक हो सकता है। वेल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।